अपनी पार्टी से नाराज चल रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने किसान आंदोलन को लेकर शिवराज सरकार पर निशाने साधे। साथ ही उन्होंने पार्टी और उनके समर्थकों के विरोधाभास को लेकर भी राहुल गांधी से चर्चा करने की बात कही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद पार्टी से नाराज चल रहे अरुण यादव ने किसान आंदोलन को लेकर शिवराज सरकार को जमकर निशाने पर लिया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इसका जिम्मेदार बताया है। मंदसौर गोलीकांड का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 14 सालों से अन्नदाताओं को छला है। प्रदेश के अन्नदाताओं को लगातार ये सरकार पिछले 14 सालों से छलने का काम कर रही है। जब जब भी किसानों ने अपनी मांगों को लेकर कोई प्रस्ताव सरकार के पास रखा, हमेशा सरकार ने किसानों की बातों को तवज्जो नहीं दी। और इसीलिए मध्य प्रदेश ऐसा एक प्रदेश है पूरे देश भर में जहाँ पर किसान की मृत्यु दर आप देखेंगे उस पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। और उसका कारण यही है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार का किसानों के प्रति जो कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम ठीक नहीं है। वहीं अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद यादव समाज की नाराजगी को लेकर पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी के मंदसौर दौरे के दौरान चर्चा की जाएगी। मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैं तो पिछले 10 दिन से नहीं था, क्षेत्र में था, फिर दिल्ली में था। अब कहाँ क्या हो रहा है मुझे उसकी एग्जैक्ट जानकारी। आपके क्षेत्र में भी कुछ लोगों को पहले निष्कासित तो फिर वापस लिया गया। वही मैंने वही कहा आपसे, पहले भी कहा कि कई समस्याएं आ रही हैं जिसको लेकर राहुल जी से हम लोग चर्चा करेंगे। दीपक बावरिया जी को लेकर कोई व्यक्तिगत टसल है या उस तरह का कोई हमारे टसल नहीं है। वो हमारे माननीय प्रभारी है और प्रभारी और कुल मिलाकर अरुण यादव भले ही खुद को कांग्रेस का कार्यकर्ता बताकर एकजुटता की बात कर रहे हो, लेकिन राहुल गांधी से चर्चा की बात कहकर पार्टी के फैसले के खिलाफ नाराजगी भी दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।